तो उपचाची प्रखंड के नेरो पंचायत में खोरठा भाषा का एक क्विज लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 34 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें से टॉप 5 छात्र छात्राओं को, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान जितेंद्र महतो, द्वितीय स्थान बबीता कुमारी, तृतीय स्थान निमाई, चतुर्थ स्थान बबीता कुमारी ब्राह्मणडीहा तथा पंचम स्थान दीपक कुमार महतो ने प्राप्त किया। इन सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाना एवं कोरठा भाषा को जिंदा रखना है। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर रंजीत सर, कपूरिया धनबाद उज्ज्वल महतो, बिचुआ शक्ति स्कूल के मेंबर, कोरठा भाषा के शिक्षक बबलू कुमार, मैनेजमेंट कर्ता धनंजय महतो, सुरेश महतो, समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी बहादुर राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। नेरो पंचायत के अंतर्गत मदनपुर में खोरठा प्रतियोगिता हुआ, तो सर बच्चा को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चा को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे झारखंड में ये जो मेरी भाषा है आने वाला दिन में एक मातृभाषा का रूप लेगा, इसलिए खोरठा भाषा का एग्जाम और प्रतियोगिता हर गांव में हर घर में होना चाहिए। सर कहीं हम देख कह सकते हैं कि धीरे धीरे खोरठा भाषा लुप्त होते जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर इसका रीजन है, इसका रीजन भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग ये कल्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपस में हम लोग जब कहीं बात करते हैं तो तुरंत हिंदी में बात करते हैं, इसलिए नहीं, अब जो है आज से और अभी से हम लोग खोरठा में ही बात करेंगे, तब ये जो है दिनों दिन मेरा पॉपुलर हुई होते जाएगा और एक दूसरे का कन्फ्यूजन दूर होगा। सर हम झारखंड के बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन अपना खोरठा भाषा में बोलने में शर्माता है, तो क्या कहेगा सर? ये कहीं ना कहीं हमारा अपना खुद का कमी है, जो हम लोग अपने आप को कम आँकते हैं, हम अपने मातृभाषा को कम आँकते हैं, जिसके वजह से हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी मातृभाषा का प्रचलन हम कम से कम करते हैं, या लगता है कि हिंद के जैसा, इसलिए नहीं, इसको हमें बढ़ावा देना होगा, हमें झारखंड की अपनी मातृभाषाओं को बढ़ावा देना होगा, हम कहीं भी जाएँ हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करना होगा। चलिए ठीक।